Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. आपने कभी नोटिस किया है विदेशों में लोगों का फोकस काम पे होता है अभी काम फिनिश करके हटें फिर सोचते हैं कल क्या करना है हमारा उल्टा है हमारे लोगों के दिमाग में खाना चलता रहता है 24 घंटे सुबह इतना पेट भर के नाश्ता करें नाश्ता करते करते सोए भाई लंच में क्या करना है और लंच करते हुए सोचे रात को डिनर में क्या करना है अंदर पराठा बोल रहा था मेरे को तो निकलने दे इतने खाने के शौकीन सुबह आप देखना नाश्ता करके लोग निकलते हैं लोकल ट्रेन में दिखाई नहीं देते इनको अपने बच्चे नहीं पहचानते ये लोग कभी कभी तो दूसरे ऑफिस में घुस जाते क्योंकि इतने पराठे अंदर गए यहाँ तक भरा पड़ा पेट सिर्फ बातें नहीं कंप्लेंट भी खाने की करेंगे सुबह से उठ के रात को लगता है मैंने कुछ गलत खा लिया मेरे गुड़गुड़ हो रही है पता नहीं कैसी आवाज आ रही है अच्छा जो सामने वाली बीवी है या दोस्त है वो इलाज भी वैसा ही बताते हैं वो भी खाने वाला तो रात को खिचड़ी खा लेना अच्छा ये भी नहीं कि जरा सी खिचड़ी खा ले पूरी जैसे डबल बेड की चादर नहीं बिछी होती बड़ी प्लेट पे इतनी सारी खिचड़ी है ना वो खिचड़ी बाहर जाती है ना थोड़ा उसको हाथ से पकड़ के यूं लेके आते हैं सिर्फ खिचड़ी नहीं खाते साथ में अचार पापड़ रायता सलाद कई तो इतने भुक्कड़ होते हैं खिचड़ी के साथ भी दो पराठे रख लेते हैं अंदर प्याज और सलाद आपस में लड़ रहे होते हैं खाना खाओ जैसे अंग्रेज लोग खाते हैं मैंने देखा बड़ी बार कभी बाहर घूमने जाओ ना वैसे खाना खाने के टेबल बैठे एकदम से उठ जाएंगे तो खाना फिनिश करके और इट वाज अ लवली डिनर सी यू हमारे लोग खाना खाते पहले तो उठ नहीं पाते खाना खा के ना तो आगे को तो हुआ ही नहीं जाता इनसे पीछे को हो जाते हैं तो पहले तो 45 मिनट उधर ही सोते हैं फिर उठ के मोबाइल ढूंढते हैं मेरा मोबाइल कहाँ गया फिर अपनी पैंट खोल लेते हैं फिर पेट को सांस आती है ना थोड़ी करके अच्छा उठते हुए खुद ही भूल जाते हैं हमने बटन खोला था फिर जब उठते हैं फिर एक हाथ से पकड़ के सीधा बेडरूम में जाते हैं ये क्योंकि दिखाई देना बंद हो जाता है जैसे अपने दास दादा खाने के बड़े शौकीन है अच्छा डॉक्टर के पास चले गए कहते मेरे को भूख बड़ी लगती है डॉक्टर बोलता है ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है मतलब आपको मैं पीने वाली दवाई देता हूँ पर आपने ध्यान रखना है सुबह दो चपाती खानी है दोपहर को दो चपाती खानी है रात को एक चपाती खानी है कहते ठीक है ये मतलब खाना खाने के बाद खानी है कि पहले खानी कभी समोसा खाओ आप छोटी सी दुकान पे चले जाओ आप 5 रुपए का समोसा वो कैसे आपको अखबार में लपेट के दे देते ना उसी पे चटनी डाल देते हैं अखबार पे जो खबरें छपी होती है वो भी समोसे पे छप जाती है वो समोसे को कोई फर्क नहीं पड़ता उनको पता मैं कौन सी शूटिंग पे जाना अब 5-स्टार होटल का समोसा देखो आप एक आदमी लेके आ रहा है बड़ी सी वो ट्रॉली में लेके आ रहा है ऊपर समोसा अकेले यूं बैठा हुआ है और ट्रॉली चल रही है अकेला समोसा आता और एटीट्यूड में बैठा रहा था 5-स्टार का समोसा ना क्योंकि उसने स्ट्रगल ही नहीं देखी दूसरा जो समोसा है रेडी पे जो बिकता है उसका स्वाद ही अलग होता है देश की मिट्टी का स्वाद हाय हाय क्यों क्योंकि सड़क किनारे लगा रहता है गाड़ियां आती धुआं मिट्टी उड़ उड़ के देश की मिट्टी सारी समोसे में उसका कलर डिफरेंट होता है 5-स्टार वाला समोसा आखड़ू होता है यूं उसके देखना आप जो उसके कोने होते हैं नुकरे उसकी एक नीचे होती दो साइड पे होती वो भी एकदम तीखी होती है चाहे आप दांत साफ कर लो उससे 5-स्टार होटल में आप चपाती ऑर्डर करो फिर वही आदमी आएगा लंबा सूट पे ट्रॉली पहन के एक तो आपसे अच्छे कपड़े पहन के वो आता है दिल ही नहीं करता उसको कहने को कि तू रख दे भाई और वो रोटियां लेके आता है देख रहे उसमें से निकालेगा फिर एक बास्केट होती है रुमाल ऐसे ऐसा लगता है अभी उठाएंगे और चपाती बाहर आके दिखाई मुंह दिखाई दो चपाती ऐसा लगता है दूसरी तरफ कई बार आप देख लो गंदे होते हैं उनके काम में भी रिफ्लेक्ट करती है उनकी पर्सनैलिटी उनके पास चला जाओ ना आप क्या भैया वो 2 मिस्सी रोटी देना 2 नान क्या 2 मिस्सी रोटी 2 कौन सा नान अच्छा वो जब हाथ ऐसे वैसे घूमता ना आपका कितना नान हुआ तो जो आदमी ऑर्डर भी दे रहा होता है वो मुकर जाता है नहीं नहीं मैं तो ऐसे पूछा चड्डा ट्रांसपोर्ट की तरफ रास्ता पूछ रहा था नान नान रखो आप आजकल आपको पता है 4 माले वाले बर्गर आ गए 4 माले वाले हाँ नीचे वो रहते ब्रेड रहती है ऊपर आलू की टिक्की फिर ब्रेड फिर चीज फिर सैलड फिर ब्रेड लगा ही रहता कुछ ना कुछ
प्लेट से इतना ऊंचा होता ना, इतना बड़ा बर्गर होता है वो। कैसे? हाँ, वो चल के आता है। नहीं, सब आपकी तरह मुंह ना खोल सकते इतना बड़ा। तो कई तो लड़के लड़कियां वो बर्गर ऑर्डर इसलिए करते हैं ताकि उस बर्गर के पीछे बैठ के अपना सैंडविच बना सके। इतना बड़ा बर्गर होता है ना। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में सांबर फ्री होता है, आदमी एक इडली लेता है, चार बार सांबर मंगा लेता है, थोड़ा सा पहले उसमें डुबोएगा। अच्छा, आधा सांबर तो इडली पी जाती पहले, फिर इडली को चूस के उसका सांबर निकालते, फिर डुबोते हैं। एक साथ इडली खाते हैं, सार से सांबर पीते हैं। अच्छा, वही अगर फाइव स्टार में चले जाओ, एक्स्ट्रा सांबर के पैसे हो, फिर ये चार इडलियां खा जाते हैं एक ही कटोरी में, उसको डुबोते हैं, थोड़ा सा रंग आता है, उसको ज्यादा चूसने नहीं देते। ऐसे जहां आप छोले भटूरे की रेडी लगी हो ना, तो दो भटूरे साथ में छोले फ्री होते हैं, तो छोले मंगाते रहते हैं चार चार प्लेट। अच्छा, ये भूल जाते हैं कि छोले में सोडा मिला होता है, वो अंदर जाके पांच छह गुना आ जाते छोले। उसके बाद में ऐसी गैस बनती ना आदमी के, वो घर जाके जब रजाई लेके सोता ना, तो कई बार रजाई पे मोर बना आता, मोर ऐसे करके उड़ जाता। ऐसे लोगों की वजह से बीवियां आधी रात को मायके जाती। अच्छा, किधर रह के क्या मिलेगा हमें। कुछ लोग रेस्टोरेंट में आते, नया नया ट्राई करते हैं, वेटर से जाके डिटेल लेते हैं, तो वेटर भी समझाते हैं, सर हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरी रात इसको यू नो लेमन सॉस में डिप करके रखते हैं, आफ्टर दैट वी फ्राई विद द फ्रेश वेजिटेबल्स एंड देन फर्स्ट लेयर ऑफ सोया सॉस, देन सेकेंड लेयर, देन थर्ड। रानी बोलता बीवी को बोल रहा है, समझी? सुना? कल से यही बना के देना, तू दाल ले क्या। अच्छा, कई लोग रेट की साइड से मेन्यू पढ़ते हैं, रेट की साइड, इधर आइटम लिखी होती है कौन सी खानी, इस तरह प्राइस लिखा, प्राइस पे जाते हैं 1,000, 850, 450 रुपए, इधर उंगली लेके जाते हैं 65 रुपए का क्या है। जैसे दिनेश ने ऑर्डर कर दिया, ऐसे मेन्यू जाते जाते 12 रुपए देखे इसने, तो कहता मिल्क शेक, कहता मिल्क शेक ले आओ, कहता सर मिल्क शेक 100 रुपए का, 12 नंबर पेज है। अच्छा, वेटर को टिप भी रेस्टोरेंट के हिसाब से देनी पड़ती है। कितना महंगा अमीर रेस्टोरेंट है, जैसे दास दादा ने खाना खाया ना, 10 रुपए दे दिए, वेटर भड़क गया, कहता है आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं सर, 10 रुपए कौन लेता आज के जमाने में, 10 और दो। तो ये आ गए से शाने, कहते मैं तुम्हारी दोबारा बेइज्जती नहीं कर सकता। अच्छा, शादी के वेन्यू खोजने में आजकल प्रॉब्लम नहीं होती, आदमी झट से गूगल कर लेता है, लेकिन शादी में गाजर के हलवे का स्टॉल कहाँ लगा है ये नहीं पता चलता। फिर आदमी अपने बच्चों को गूगल बनाता है, बेटा जा देख क्या हलवा कहाँ लगा। अच्छा, बच्चे सारी शादी में घूमते रहते हैं मेरे जैसे, वो देख के आते ना, फिर आके बाप को 10 मेहमानों के बीच में बताते, पापा आइसक्रीम खुल गई, बाप शर्मिंदा होता ना। तो बेटे जाके जाओ खाओ, मुझे क्यों बता रहे हो, आपने जो कहा था आइसक्रीम खुलेगी तो लूट लेना, मम्मी भी खड़ी उधर। अच्छा, खाने को लेके आप लोगों के पास भी बड़े किस्से होंगे, अगर आप सुनाना चाहते हो तो प्लीज कोई हाथ। जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो अर्चना मैम। सर मेरा नाम साहिबा खान है और मैं मुंबई से विरार से आई हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। फ्रेंड ने मुझे झूठ बोलकर खाना खिलाया था। क्या झूठ बोल के खाना खिलाया? हम गए थे तो मतलब मुझे बोलता रहता था हमेशा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे शादी करनी है, तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, बड़ी बड़ी बात करता था। तो हम एक बार मिले तो हमारी बात होते होते मैंने बोला कि मुझे भूख लग रही है यार, चल ना कुछ खाते हैं। तो बोलता अरे मेरे होते हुए तो भूखे, चल रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गया, हमने खाया वो तंदूरी और फ्राइड राइस और ये वो सब मंगा रहा। तो मैंने बोला सुन ना यार, मैंने पैसे नहीं लाए आज, तो थोड़ा सोच समझ के मंगा। अरे मैं हूँ ना, तो मैं बोला ठीक है। हमने दबा के खाई हर चीज़। तो फिर मैंने चलो भाई चलते हैं, बिल दे दे। मैंने पैसे नहीं लाया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं डर गई, मैं बोली यार मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। खाना खा के भागा भी नहीं जाता ना। नहीं, एग्जैक्टली भाग नहीं सकते आप। तो फिर तो मैंने बोला मैं क्या करूँ अब। तो बोलता है तू कोई भी बहाना बना के निकल, मैं आता हूँ। तो मैंने भी बोला यार अब इज्जत तो बचानी है, तो मैंने फोन उठाया, हाँ आ रही हूँ ना, बोला ना आ रही हूँ, वेट कर, ऐसे करके निकल गई किसी को शक ना हो। मैं निकलते निकलते चली गई, उसने बोला था आगे सर्कल पे मिलना, मैं आता हूँ। 10 मिनट बाद आया। जी। लीज हरकत की उसने, फिर भी उसको उम्मीद थी कि आप मिलोगे उसको। एक तो गर्लफ्रेंड को लेके गया खाना खिला के, बोलता भाग। इतनी खूबसूरत लड़कियां ऐसे लड़के को चक्कर में क्यों पड़ जाती हो आप? अच्छा भला कमाने वाले सारी उम्र ऐसे ही घूमते रह गए, फिर थक हार के उन्होंने शादियां कर ली। तो 10 मिनट बाद वो आया, मैंने बोला
तू क्या करके आया है, क्या बहाना निकाला? तो बोलता मैंने और ऑर्डर किया ताकि उन लोग को शक ना हो, लोग को लगे कि मैं खाने वाला हूँ. और तो फिर मैंने मस्त मोबाइल निकाला और नेटवर्क का बहाना किया कि भाई नेटवर्क आता है. तो वेटर ने बोला सर बाहर मिलेगा, कॉल कर लो. तो मैं ऐसे करते करते कल्टी ले लिया. तो मैंने बोला यार ये किसी दिन खुद तो बर्तन मांझेगा और मुझे भी मंझवाएगा. तो मैंने बोला पहली फुर्सत में निकल, ये डायलॉग देखे चली गई. वाह साहिबा, बड़ी भुक्कड़ टाइप स्टोरी सुनाई है आपने. क्या करती हैं आप साहिबा? सर मैं फिलहाल तो इवेंट मैनेजमेंट में काम करती हूँ. अच्छा जी, फिलहाल इवेंट मैनेजमेंट जी. आधे पौने घंटे बाद क्या करेंगे? कुछ नहीं, इवेंट मैनेजमेंट में काम करती हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए. थैंक यू साहिबा. और कोई हमारे दोस्त? जी ये पक्का भागने वाली स्टोरी सुनाएगा देखना. मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है. हाय अर्चना मैम. हाय कपिल सर. हेलो. एक्चुअली मेरा नाम आर्यन शर्मा है. एक्चुअली सॉरी मैम, तुम्हें तो पता भी नहीं था. और कोई? सर बेसिकली मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ. और प्रैक्टिकली? वैसे सर आपने ये लाइन जरूर सुना होगा, लोग जुड़ते गए अफसाना बनता गया. अफसाना नहीं, कारवा. कारवा कारवा बनता गया. कहता आपने जरूर सुना होगा. तुम खुद तो ध्यान से सुनो. अच्छा फिर लोग जुड़ते गए, जुड़ते गए अफसाना बनता गया. कारवा बनता. कारवा कारवा. कुछ खा लो पहले, केले लगाओगे. लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया. हाँ जी. और ये लाइन हमारे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है. कैसे? क्योंकि सर हमारा जैसे ही 10th खत्म हुआ तो हमारा मतलब कितने लोग थे आप? हमारे हमारे ग्रुप थे. आपका ग्रुप? हमारे ग्रुप थे जो कलीग्स थे, उनका एग्जाम खत्म हुआ तो हम क्या करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था. अच्छा. तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था एग्जामिनेशन वाला. अच्छा जी. तो उसमें हम बेसिकली ज़्यादा नहीं, 3-4 ही जन थे उसमें. तो वो क्या किए कि कहीं पर भी जो बिन बुलाए बराती बोलते हैं ना, तो उनका लोकेशन वो सेंड कर देते थे और हम वहाँ पे बेसिकली पहुँच जाते थे. बेसिकली वहाँ पहुँच जाते थे आप? हाँ. और फिर प्रैक्टिकली क्या करते और थे? और प्रैक्टिकली पूरा जितना हो सके उतना फ्री का माल जितना हो सके उतना खा के खत्म कर देते. शादियों में खाना खाया आपने? जी. आप बड़े लोग ऐसा करते हैं? गेट क्रैशर बोलते हैं इनको. मैंने जो बचपन में क्रैश किए मेरे सारे बदले पूरे लिए लोगों ने मेरी शादी में. बड़े लोग आए थे. और सर हमारा ये मेहनत और हार्डवर्क इतना काम किया कि आगे चलकर अलग अलग जगह के जो लोकेशन के हमारे फ्रेंड थे वो लोग भी हमारे ग्रुप में एडअप हो गए. तो पहले ग्रुप बनाया हुआ आपने? हाँ. तो हमारा एक ग्रुप भी बन गया बिन बुलाए बराती करके. पर लोग ग्रुप बनाते हैं कोई देश के लिए कुछ करे, कोई एनजीओ बनाते हैं, इन्होंने ग्रुप बनाया, खाना खाने जाते हैं. तो कितने साल से कर रहे हैं आप ये गोरख धंधा? सर क्लास 10th जैसे ही कंप्लीट हुआ. तो 10th के बाद बेसिकली आप माँ बाप के खर्चे पे कम ही पले हैं? नो सर, ऐसा कुछ नहीं था. हमारे पास टाइम था तो हम सोचे कैसे उसे यूटिलाइज करें. यूटिलाइज मतलब मेरे पास टाइम हो तो मैं बैंक लूट लूं. कि मैं यूटिलाइज कर रहा था. सर फ्री का खाना मिल रहा वो भी हाई क्वालिटी का, तो इसलिए सोचा कि इस्तेमाल करना चाहिए. वो बेचारा इतनी मुश्किल से शादी ब्याह पर खर्चा कर रहा है, ऊपर से आप उसकी पर प्लेट बढ़ा रहे हो. नहीं ऐसा नहीं है, अब जब फ्री का मिल रहा है हमें तो हम क्यों ना खाएं. अरे तुमको फ्री का, उस बेचारे को तो फ्री का नहीं मिल रहा ना, उसको तो पैसे देने पड़ रहे. अच्छा, तो खाना भी अपनी अपनी प्लेट में है. तो जाके दुल्हन के साथ फिर भी ले लेते चारों. कितने साल आप ऐसा करते रहे? 3 years कंप्लीट हो गए हमें. 3 साल हो गए आपको? तो मैं जब भी घर जाता हूं. 12 को आपकी 3rd एनिवर्सरी पे आपको बहुत बहुत लोगों ने खाना खा खा के. तो सर तो कितने साल और करने का इरादा है आपका ये? सर मैं जब भी घर जाता हूं तो मेरे जो फ्रेंड मिलते हैं तो हम स्टार्ट हो जाते हैं. तो जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक करेंगे? सर ऐसा ही. अब आप दिख गए टीवी पे, लोग डालेंगे आपकी फोटो बाहर कि ध्यान से आ गए नान के दुश्मन. चलो आर्यन बहुत बहुत धन्यवाद आपका. शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम. हेलो कपिल सर. हेलो अर्चना मैम. माय नेम इज रिया. मैं खारगर नवी मुंबई से आई हूँ, जहाँ पे आपकी शूटिंग हुई थी मूवी की किस किस को प्यार करूं. बहुत बहुत स्वागत है आपका. जैसे पानीपुरी की शौकीन तो सब लड़के होती है. मैं भी लड़के भी होते हैं. लड़के भी होते हैं पर लड़कियाँ ज्यादा ही होती है, उसमें से एक मैं हूँ. ऐसा क्यों, लड़कियों को पानीपुरी खाती ज्यादा? स्पाइसी, तीखी, चटपटी सब होती है. तो सीधी डायरेक्ट मिर्ची खाया करो. इतना मजा नहीं आता पानी पूरी में. कॉम्बिनेशन मिल जाता है.
मैंने देखा जब आप ग्रुप में जाती हैं तो सिर्फ दो दो ही खाती हैं, अकेली जाती हो 40-40 खा ले जाती हो, ऐसा क्यों? ग्रुप में भी मैं 6-12 खा लेती हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है। 6-12 6-12 मतलब एक प्लेट में 6 आती, 2 प्लेट में 12 होती है। अच्छा, 6-12 खा लेती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या क्या कह रही थी आप? मैं एक बार भाई के प्रोजेक्ट के काम से कुछ बाहर निकली थी। अच्छा जी। तो सामान लेकर आ रही थी, देखा पानी पूरी का ठेला है और पानी पूरी दिख गई, और पानी पूरी नहीं खाऊं तो ऐसा हो नहीं सकता। गई उसके पास, फिर देखा कि भाई के प्रोजेक्ट के लिए सारा सामान ले लिया, पैसे खत्म हो गए। मैंने खाई पानी पूरी, उसने अच्छे से खिलाई, पानी पूरी वाले ने खाई वाई। फिर मैंने पूछा भाई कितना पैसा हुआ, बोला मैडम 40 रुपए। मैंने कहा ठीक है, और पैसे थे नहीं। फिर भाई के प्रोजेक्ट के लिए क्या, बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट था, तो नकली नोट लेकर आई थी फ्रंट पेज बनाने के लिए। तो फिर स्टेशनरी शॉप से आपने वही चिपका दिया उसको। 2000 के मिलते नकली नोट स्टेशनरी शॉप पे। बाद में छुट्टा वापस भी लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने उसको बोला कि भैया देखो मेरे पास 2000 का नोट है आप। वो बोला मैडम अभी भी दुकान लगाई है, अगली बार आइए खाइएगा। आपने दिए फिर उसको पैसे? मैं दोबारा उस रास्ते ही नहीं गई। आपने एक तो जूता नोट दिखाया, फिर आप अपना नंबर ही दे आती। अगली बार जाऊंगी ना तो अपना नंबर दे दूंगी, अभी तो वो टीवी पे देख लेगा मुझे। अभी जाते जाते फ्लाइंग किस कर देना, 40 करोड़ एक बार इसका दे देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सब लोग आए, शुक्रिया। अच्छा जी, गेस करो आज हमारे शो में कौन आने वाला है? नहीं गेस कर सकती कौन आने वाला। आज हमारे जो मेहमान आने वाले हैं इतने खास है कि हमें पता ही नहीं कौन है, तो मैं जाके देख के आता हूँ कि कौन आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस। अर्चना जी, आज हमारे यहाँ जो गेस्ट आने वाले हैं उनके स्वागत का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो वो खुद ही पूछ लेते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा। तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा वन एंड ओनली सुपरस्टार मिस्टर सलमान खान। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए। मेरा क्यों स्वागत करो मेरे खुद के शो में भाई। भाई देख लो, सीजन की शुरुआत भी आपसे करी थी जी। 100 एपिसोड हो गए। ये खात्मा नहीं है? नहीं नहीं, खात्मा नहीं, खात्मा नहीं, ये तो अभी मिड सीजन में नहीं है जी। ऐसा लग रहा है अभी क्या हो जाएंगे 100 एपिसोड भाई। हो गए, ये 99 था। इसके बाद क्या? इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट चेंज तो होस्ट चेंज। भाई आप इनको आइडिया दे रहे हो पहले ही। मेरे को अर्चना जी बात बोल रही थी, कहती है 100 एपिसोड हो गए हैं तो आप सलमान भाई से पूछना कि एज ए प्रोड्यूसर आपको नहीं लगता कि हमारा प्रमोशन होना चाहिए थोड़ा? देखो दबंग का एक डायलॉग है क्या? प्रमोशन चाहिए। सीधी गोली पड़ती। अर्चना जी मैंने कहा था ऐसी बातें मेरे को मत बोला करो आप। हाँ, बोलने के लिए तू तो मेरे बड़े सुनता है ना। लेकिन ये लेकिन ये अच्छी बात है ना, 100 से 200 बजाएं घर बैठे करोगे क्या? हाँ वो भी है। और भाई इनके तो 100 हुए भी नहीं है। हाँ। उसमें से 25 सिद्धू जी के हैं बीच में। जी के हैं। आपको पता भाई जब 50 एपिसोड हो गए ना अर्चना जी के, इन्होंने जाके अपने पति को पीट दिया। हाँ कह रही मेरे 50 एपिसोड हो गए, हटो यहाँ से। नहीं पर इन्होंने तो प्यार से ही ऐसे किया था, पर आपको अंदाजा नहीं ना आपकी शक्ति का। वो तो उस हिसाब से। अच्छा आपने ट्रेलर देखा तो आपने नीचे अगर टाइटल्स पढ़े हो, फिल्म की जो स्टोरी है दबंग 3 की, वो भी सलमान भाई ने लिखी, उसके लिए जोरदार तालियां। ताली मारना जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ, जबकि पिक्चर हिट हो जाए, नहीं तो गालियां बहुत पड़ेंगी। नहीं नहीं भाई, भाई ये टैलेंट तो आपके अंदर आपके तो ब्लड में ही है ना। सलीम साहब इतने मशहूर हैं। लेकिन वो ब्लड थोड़ा ही आया हमारे में। तो भाई जब ये स्टोरी लिखी थी आपने, सलीम साहब से आप डिस्कस करते थे कुछ? नहीं, उनको एंड में दिखाया है और उनको पसंद आया। अच्छा, तो शुरुआत जब करी आपने कब उनको कुछ नहीं बताया क्या? शुरू शुरू में उनसे शेयर किया करते थे हर चीज। अच्छा, तो वो सुना भी नहीं करते थे, और जब सुनते थे, गौर से सुनते थे, तो बोलना कि ये बेवकूफी की चीज मत करना। अच्छा,
ये नहीं चलेगी, पिट जाएगी. दो दो स्टार बहुत बड़े बड़े हो गए उन पर टीवी मूवी से. जो अभी भी टक्कर दे रहे. मजा, डैड मजा कर रहा हूँ. भाई लेकिन ये जो आपने दबंग की स्टोरी लिखी है ना, ये ना राइटर कम्युनिटी में अफवाह फैल गई है. हमारे राइटर तो इतना सर पे चढ़ गए हैं, बोल रहे सलमान भाई ने 40 करोड़ राइटिंग का लिया है. और मैंने इनको बताया, मैंने कहा सलमान भाई ने एक्टिंग के पैसे लिए हैं, राइटिंग उन्होंने फ्री में की है. तो बोलते हमसे एक्टिंग करा लो, ढीठ बड़े मानते नहीं. अभी सब स्ट्राइक करके बैठे, बताओ अभी बोले 3,000 बढ़ाओ हमारा. अभी बोलो प्रोड्यूसर साहब आए हैं. तो भाई दबंग पहली जब आई, उसके बाद 2 साल बाद दबंग सेकंड आई, और दबंग 3 को आने में 7 साल का गैप लग गया. तो भाई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी कि नहीं, हीरोइन नहीं मिल रही थी आपको लॉन्च करने? हमारी हीरोइन बहुत छोटी थी उस वक्त, उनको पानी डाल डाल के उनसे बढ़ा रहे थे. खाना खिलाया, खाना खिलाया, खूब सारी स्ट्रेचिंग करवाई, जिम गई हैं वो, खूब सारा पानी वानी पिलाया उनको, और एकदम अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है. अब जब वो एक तैयार हो गई, हाँ, तब हमने दबंग 3 लॉन्च की. बड़ा ऑर्गेनिक हीरोइन लेके ऑर्गेनिक. तो भाई आपके फैंस के कुछ सवाल हैं. तो ये बिजनौर से सुनीता पूछ रही है कि आप टूथब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? चले जाते हैं करीबन 1-1.5 मिनट दिन में 3 बार. दिन में 3 बार. तो सुनीता जी आपका सवाल हमने पूछ लिया. 3-4 बार करना ही पड़ता है भाई जी, बिल्कुल. और उसके ऊपर से च्युइंग गम भी, क्योंकि हीरोइनों के साथ काम करना पड़ता है. इनके कांदी की स्मेल, अदरक की खुशबू, बिरयानी की खुशबू उनके, और फिर और सुबह सुबह को ऐसा लगता है कि जो रात को अंदर गया उसे बेहोश होके गिर. मुंबई से तावड़े का सवाल है. तावड़े का बड़े ताव में तावड़े साहब जो सवाल कर रहे हैं. तो तावड़े साहब ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी ट्विटर या इंस्टा पे लिखते हो वो खुद लिखते हो या आपने कोई आदमी रखा हुआ है? नहीं, खुद लिखता हूँ. खुद लिखता हूँ, लेकिन अब क्या हो गया, खुद लिखता हूँ फिर वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है हमारे लॉयर्स वॉयर्स के पास, उसके बाद. अच्छा. और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी. रोहतक हरियाणा से गीता पूछ रही है कि आप जिम में कितना टाइम लगाते हो? 2.5-3 घंटे चले जाते हैं. और एक्चुअली जिम का वो इतना नहीं कि आप कितना टाइम जिम में बिताएं, इज यू नीड टू बी दैट मच मोर डिसिप्लिन आउटसाइड द जिम. जिम आजकल जिम नहीं है, जिम के बाहर जो खाना पीना जो अंदर जाता है, डाइट वगैरह और हाउ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द मोस्ट की थिंग. भाई मैंने जब भी कभी आपको खाना खाते हुए देखा है, मैंने देखा आपके घर से काफी सारा खाना आता है, कोई 50-60 आदमी होगा जी. तो मुझे डाइटिंग वाला तो कोई सामान दिखता नहीं उसमें कोई. हाँ लेकिन मैं खाता हूँ, लेकिन वो वहाँ से करेक्ट करेक्ट चीज ही खाता हूँ. सो आई ईट एवरीथिंग, बट मेरे से वो रात का प्रॉब्लम है कि रात को मैं मीठा वीठा खा लेता हूँ. व्हेन आई फील रियली हंग्री सो आई वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, ओपन द फ्रिज, फिर वहाँ पर जो जो ये चीज है, योगर्ट है, ये है वो है, जस्ट फील दैट There's somebody else inside me asking to eat. कोई है मेरे में, कोई जिन्न है? कपिल में भी ऐसा जिन्न है. भाई मेरे साथ कभी-कभी होता है कि सारा दिन हल्का हल्का खाते रहो, कुछ ना कुछ, ब्लैक कॉफी ये वो, कि पूरा रात को पता नहीं क्या, फिर वो ड्रिंक्स के साथ चकना, उसके बाद फिर नहीं नहीं मैं भाई फिर पक्की फर्क पैंदा है, ओ ला यार कल देख लेंगे. भाई वैसे मैं ये आप सरप्राइज होंगे कि मैं वैसे पीता नहीं आजकल. कैसे पीते हो फिर? नहीं 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 मैं भाई मैं शादी के बाद छोड़ दिया सब. अरे ये इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है क्या? इधर दिख रहा है, नहीं ना इधर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा दबाव दूँ तो निकल आएगी विस्की. भाई मैंने सीरियसली बंद कर दी भाई. अब कपल की शादी वादी भी हो गई ना. मैंने सीरियसली मम्मी बैठी, मम्मी बताओ अभी मैं पीता हूँ? देखा बाप. हाँ ना, ना हाँ कभी नहीं, कभी नहीं. भाई नागपुर से बबीता जी पूछ रही हैं. बबीता जी ये पूछ रही हैं कि बेड पे जब आप लेट जाते हैं तो लेटने के कितनी देर बाद आपको नींद आती है? बेड पे नींद आती ही नहीं, थका हुआ होता हूँ, सो जाऊं भी, जैसे सर तकिए से टकराता हूँ जाग जाता हूँ. फिर आता हूँ, टीवी देखता हूँ, न्यूज देखता हूँ, फिर काउच के ऊपर ऐसे आड़े थे, दिखा दूं मैं कैसे सोता हूँ. मैं ये 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 है.
So even wherever I go, five-star hotels, I don't even see the bedroom. Huh? Yeah, I sleep on the couch. But sofa pe kaise bhai yahan pe to ek hi aadmi ki jagah hoti hai. Kapil. I mean, isliye tum wahan pe sota ho. Inke pati bhi wahi karte honge. Tum bhi wahi karoge. Last सवाल है भाई जयपुर से पुष्पा जी पूछ रही हैं पुष्पा I hate कहती tears. कह रही कि आपका सपना तो हर लड़की देखती है आपके सपने में कभी कोई एक्ट्रेस आई है कॉलेज के दिनों में स्कूल के दिनों में पर सपने में क्यों आए ही सलमान खान एक्चुअली सपने में क्यों आए अरे कल मुझे एक भैया एक ही बहुत ही ये आज सुबह की बात है जी तो हम लोग रहते थे ओल्ड कांतवाड़ी में और वो जॉगर्स पार्क के के पास है वो जी तो आई ड्रीम्ड कि मैं वहां से गुजर रहा हूं और एक पुराना घर था जो कि हमारे नेबर्स थे वो और वहां पे पूरा पानी भरा हुआ है सो आई गो वॉकिंग देयर इतना इतना पानी है ग्रीन मडी वाटर है आई गो वॉकिंग देयर एंड आई सी सम स्नेक्स कमिंग आउट ओ गॉड तो सांप आ रहे बाहर तो मुझे बोलते हैं कि हम यहां पर करीबन 150-200 हैं सांप बोलते हैं 150-200 सांप है आप हमको यहां से लेके जाओ किसी जंगल में छोड़ दो और ये जमीन ये आपके पास आ जाएगी ये सुबह की बात है तो शूटिंग जाने से पहले मैं वहां पे गया हूं पूरी बारामारी की बिल्डिंग खड़ी हुई है अरे सांप झूठ बोल रहा है मुझे सब अरे ड्रीम तो ये फैंस के साथ इसी साथ खत्म होते हैं तो अब वक्त है दबंग 3 की एक और लीड स्टार को यहां पे बुलाने का तो आप सबकी जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड सोनाक्षी सिन्हा सोनाक्षी आप बहुत खूबसूरत प्यारी लग रही हैं थैंक यू दबंग 2 और दबंग 3 में 7 साल का गैप है सोनाक्षी तो जब ये फिल्म दोबारा बन रही है अभी तो आपको कौन याद दिलाता है कि आपका कैरेक्टर उस समय किस तरह का आपको फिर फिल्म देखनी पड़ती है पहले आपको क्यों लगता है मैं भूल गई माफ कर दो मुझे मैंने ऐसे ही पूछ लिया था एक फॉर्मेट होता है कि चलो आदमी को गेस्ट आता है तो पूछता है मैं भूल जाता हूं सॉरी सोनाक्षी गेस्ट चौथी बार आ गई हो को-होस्ट बना दो मुझे अब तो एक्चुअली गेस्ट अच्छा मैंने सोनाक्षी का देखा है या तो सलमान भाई के साथ पिक्चर्स करती हैं या अक्षय पाजी के साथ है ना और अगर नहीं करती तो फिर अपनी खुद की फिल्म में खुद को हीरो ले लेती हैं हमारा कोई स्कोप है कि हम अर्चना जी को देख देख के बूढ़े हो जाएं हां तू बूढ़ा होगा मैं जवान होती रहूंगी बस ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर यू वांट सोनाक्षी गुड बिहेवियर गुड तो हूं एक साल से कोई खबर सुनी है अगर आप अगले 10 एपिसोड तक अर्चना जी को तंग नहीं करोगे तब मैं आपके साथ पिक्चर करूंगी ये हार गया ये बहाने से बोल नहीं सिद्धू जी को बुलाओ ये इनका तरीका है बोलती मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगी मैं ऐसे बोलूंगी पर एनीवेज बहुत-बहुत स्वागत है आइए सोनाक्षी सुमन भाई और अब वक्त है इस फिल्म से अपना डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस को यहां पे बुलाने का प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल साई मंजरेकर वेलकम साई बहुत स्वागत है आपका थैंक यू पहली बार आपको लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स काफी देखी आप बहुत प्रीटी हैं बहुत अच्छी लग रही हैं फिल्म में आइए यहां पे स्वागत है आपका कम सिट They're real fruits. Oh, yeah. I gave them a budget of plastic fruits. और वो plastic बंद हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नकली fruits दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या खाना चाहोगी? नहीं, मैं वैसे चेक कर चुकी हूँ असली है, but पिछली बार क्योंकि आपने आए थे तो एक apple और एक banana था बस। आज जो pineapple आ गया है, dragon fruit imported. अमीर सलमान भाई आज तक नहीं खाया मैंने ड्रैगन फ्रूट आज खा लो पहले एपिसोड में सलमान भाई ने 10 किलो काजू भेजे थे लेकिन दो एपिसोड में खा गई फिर हमें फ्रूट मंगाने पड़े सही आपने दबंग का शूट किया सलमान भाई के साथ सोनाक्षी के साथ कैसा लग रहा है आपको मुझे लाइव देख के आपको पता है मेरा जो बकेट लिस्ट था ना बचपन से उसमें पहला आई थिंक आपके शो पे आना था एज एन ऑडियंस और इधर किस बात के लिए आपका थैंक यू पर बचपन से कैसे मतलब हाउ बचपन साई आई एम जस्ट 22 बचपन से मतलब के 3-4 साल पहले से
अच्छा सई के जो पापा हैं महेश मांजरेकर साहब, बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर हैं, आप सब जानते हैं उनको, तो वो सलमान भाई के काफी पुराने दोस्त हैं, तो आपको इनको बचपन से ही जानती होंगी, तो आपने कभी सोचा था एक दिन मैं सलमान खान के अपोजिट आऊंगी? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, लेकिन सबसे अच्छा मौका है मेरे लिए ये लाइफ में। ओह स्वीट। तो जब कभी सलमान भाई से आपकी मुलाकात होती थी आप क्या कह के बुलाती थी उनको? सलमान सर हमेशा। आई थिंक बचपन में मैं उन्हें कुछ नहीं बुलाती थी, मैं सिर्फ उनके मैं उनके सामने जाके हाय ऐसी खड़ी हो जाती थी। अच्छा। हाँ बहुत डरती थी। ये इन्होंने जो बात बोली कि मैं बहुत डरती थी, सलमान भाई मैं आपसे इतनी बार मिला हूँ फिर भी ना कभी कभी पता नहीं क्यों यहाँ आपकी फिल्मों को देख के ऐसा प्रभाव रहता है कि आप हमेशा गुस्से में होंगे। नहीं 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 वो फिल्मों में बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता हूँ मैं, रोमांस करता हूँ, लेकिन वो हकीकत में वो एक है मेरा इम्प्रेशन, वो रखना भी होता है भीड़ भाड़ के अंदर और यू नो पब्लिक के अंदर, नहीं तो आप चले गए आप यूँ किए तो अरे बेटा कैसे हो तुम एक्चुअली तो एक एटीट्यूड बना के चलो कि वो दूर हैं। तो अरे क्या भाई क्या हो रहा है भाई, और अपने फैंस सब ऐसी हैं कवंटा। तो वो एक अच्छा है वो, और इसे रिस्पेक्ट भी मिलती है। ये धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें, आप नहीं कर पाओगे, आपको देखते ही लोग हंस देते हैं। हाँ एक्चुअली अच्छा कईयों को ये भी लगता है कि 24 घंटे उसी मूड में होते हैं। या हेलो एंड वेलकम। सही एक बात बताइएगा, जब आप शूट कर रही थी सलमान भाई के साथ तो सलमान खान वहां पे थे, सोनाक्षी वहां पे थी, प्रभु देवा डायरेक्टर, आपके पापा भी आते होंगे सेट पे जी, तो आप किन को देख के ज्यादा नर्वस होती थी, सलमान खान को, डायरेक्टर साहब को देख के या अपने पापा को? अपने पापा को देख के, पर वो एक बार ही आए थे जब उनका सीन था और बाकी टाइम देखने आए थे, तो उन्हें देख के मैं हमेशा नर्वस हो जाती थी कि उनके सामने बहुत अच्छा करना है। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा ट्रेलर में एक सीन है जहां सलमान भाई बेल्ट निकालते हैं तो पैंट उतर जाती है, भाई मैं वो सीन देख के समझ गया था ये फिल्म आपने लिखी है, क्योंकि नहीं अरे और किसी राइटर की हिम्मत नहीं है सलमान भाई की पैंट उतरवा सके, मैंने देखा सर एक राइटर ने लंगोट में डाल दिया सर, अब क्या पैंट उतरना क्या है? नहीं वो तो हाँ वो सुल्तान में तो लंगोट में थे, पर भाई मैंने देखा जब आप फिल्मों में जब आपने शर्ट उतारी है नीचे बनियान नहीं पहनी होती, तो जब आपने पैंट उतारी तो तो नीचे मोजे पहने हुए थे आपने? पहने थे। वर्दी की शर्ट लंबी थी और हमारे पास बीइंग ह्यूमन के अंडरवेयर भी है। एक तीर से दो निशाने, फिल्म के साथ साथ बीइंग ह्यूमन का भी प्रमोशन है। अच्छा लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है ना जी, हम कोई कपड़ा लेते हैं टैग निकालना भूल जाते हैं या है ना कभी कभी कोई पैंट फट गई, लड़कों के साथ तो और भी बुरा होता है भाई, कभी कभी जिप खुली रह जाती है, हमेशा रह जाती है। सो व्हेनेवर आई एंटर स्टेज वगैरह जहाँ पे भी जाता हूँ ना पहले चेक करता हूँ, जैसे यहाँ भी आने से पहले चेक किया है कि जिप खुली है या नहीं। हाँ अच्छा लड़कियाँ कभी नहीं नोटिस करती हैं, ये लड़का ही लड़के का जिप नोटिस करता है भाई, चला जाता है। और लड़के होते भी शरारती हैं, कभी कान में नहीं बोलेंगे कि भाई तेरी जिप खुली है, तेरी जिप खुली रह गई, और चार लोगों को दिखा देते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हो कि टैग लगा रह गया हो आपके कपड़ों पे सोनाक्षी, कभी टी शर्ट का टैग निकालना भूल गए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार हुआ है, नॉर्मल सी चीज है, होता है सबके साथ, होता है सबके साथ होता है। हमारे मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप अपना फनी किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hi Kapil. Hello. Hello Salman sir. Hello Sonakshi. Hi. Hello ma'am. My name is Preeti and I came from all the way down from New York. New York se aayi aap? New York se. Wow. So, ek jaise aapne bola sabke sath ye kissa hota hai, to mere sath bhi yahi ek same example hua. Ji. So, first day tha, first morning, first job and nervousness thi. To kya hua? Light band thi. To sab log so rahe the, to maine bola ki like लाइट मत जगाओ, आराम से तैयार होके निकल जाओ, फर्स्ट जॉब है, पता नहीं है कैसा दिन चलेगा। तो जब गई तो बड़े से मेकअप शेकअप करके तैयार वगैरह होके तो अंधेरे में चली गई। वहाँ पे जाके मैनेजर ने पूछा कि आर यू ओके, आप अभी लाइक रश में आई हो घर से? मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ी आराम से आई हूँ। बोले नहीं रश में आई हो। मैंने कहा क्यों, मैं रश में क्यों आई हूँ, मैं तो लाइक ठीक हूँ, ठीक लग रही हूँ। जब
मैनेजर ने एकदम से आराम से नीचे ऐसे देखा मेरी तरफ, तो मुझे पता चला कि मैंने पैंट उल्टी डाली है घर से. तो एकदम से पैंट उल्टी डाल के नहीं रियलाइज, वो अभी ब्लू ब्लू ब्लेजर के साथ ब्लैक पैंट डाली हुई थी. अच्छा जी. तो सब गड़बड़ चल रहा था वहाँ पे, तो इतना नर्वसनेस आया, एम्बेरसमेंट हुई. बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा फैशन है. एक्चुअली आजकल तो बोल भी सकते हो आप. थैंक यू, शुक्रिया आपने किसे शेयर करने के लिए, धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. हेलो सर. हेलो सलमान सर. हेलो सोनाक्षी मैम. हेलो. हेलो कपिल सर. हेलो. मेरा नाम उमंग है, मैं यही मलाड से आया हूँ. अच्छा. तो बाद में बोल लेना फिर, जो दूर से आए उनको बोल ले दो पहले. अच्छा जी. अच्छा सर, तो मुझे अभी थोड़ा फोबिया हो गया है जिप वाली पैंट से. अच्छा. सो लाइक मैं इवेंट होस्ट करता हूँ. सो एक दिन मेरा एमसी था इवेंट का. सो मैं घाई घाई में ड्रेसअप होकर चला गया. बट सर घाई घाई में मेरी पैंट की जिप बंद करना भूल गया. अच्छा. एंड मैं स्टेज पे, तो फिर इवेंट देखा सबने? इवेंट तो देखा सर. अच्छा. इवेंट तो सर देखा ही, और मुझे लोग इशारा कर रहे हैं, मैं तो फ्लो में ही था सर, पता तो नहीं चला. तो आपको लगा होगा मेरे फैंस है? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि मेरे जोक पे हंस रहे हैं वो लोग. तो मैं तो वही समझ रहा था कि मेरे जोक्स पे हंस रहे हैं. अच्छा. तो सर जब अभी भी यही समझ रहे हो ना? वो आपकी तरफ बड़ा प्यार से देख रहे हैं, आपके साथ आए? नहीं सर. इस तरह मोहब्बत से क्यों देख रहे थे आप? ऐसा करके देख रहे थे. अरे उन्होंने कुछ लिखा भी हुआ टी शर्ट, आपकी टी शर्ट के ऊपर क्या लिखा हुआ? भाई आपका नाम पढ़ रहा हूँ मैं, दूसरे सलमान तो पढ़ा दिख रहा है, बाकी छोटा छोटा क्या लिखा हुआ है? हेलो सलमान भाई, ये सारे आपके पिक्चर के डायलॉग है. हम आपके अकाउंट से लेके दबंग वन, सुल्तान, गर्व पिक्चर, हर एक पिक्चर का इसमें डायलॉग है. और नीचे क्या हार्ड डिस्क है सारी? सर बनने का पेट है. अच्छा. पर यार हाउ स्वीट ऑफ यू, ये खुद बनवाई आपने टी शर्ट? हाँ सर. हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू ब्रो. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू. और कोई हमारे दोस्त मेहमान जो अपना किस्सा शेयर कर? जी मैडम जी. हाय एवरीवन. हाय सलमान सर. हाय कपिल सर. हाय एवरीवन. सोनाक्षी मैम. सो आई हाय वैसे वैसे आई एम अदिति, आई एम फ्रॉम दिल्ली. सलमान सर आई एम योर बिगेस्ट फैन. मतलब लुकिंग एट यू मेरे को कुछ, मैं आई डोंट थिंक कि आप मेरे, मैं बोल भी नहीं सकती मेरे से बड़ा आपको कोई फैन होगा. थैंक यू, शुक्रिया. मैं आई एम अ लॉयर, मैं सब काम सब छोड़ के सिर्फ आपके लिए आई हूं. मेरे लिए आए हो ना, मुझे लॉयर्स की बहुत जरूरत है सच में. तो मैं आपकी आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ ना कि मैं आपका हर मूवी दिन के फर्स्ट डे में दिन के तीन शो देखती हूँ. ट्यूबलाइट देखी आपने? ट्यूबलाइट भी. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. थैंक यू, थैंक यू. शुक्रिया आरती जी. अपना अदिति, 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 थैंक यू. कभी कभी अदिति जिंदगी. शुक्रिया अदिति. थैंक यू सर. और कोई हमारे दोस्त जो किस्सा शेयर करना चाहते हो? जी भाई साहब. माय नेम इज अमृत मेडेकर, मैं मुंबई से हूँ. अमृत आरजे हैं सर? नहीं सर. आपकी आवाज से लगा मुझे, इसलिए पूछा. जी सर. एक छोटा सा किस्सा है वार्डरोब मॉलफंक्शन का. वी हैड वन फैमिली गेट टुगेदर. अच्छा जी. और उस दौरान हम लोगों ने ऐसा प्लान किया था कि एक रैंप वॉक रखा जाएगा ऑल थ्री जनरेशंस ऑफ द फैमिली. तो उस टाइम पे सोचा गया कि एक लुंगी डांस करके परफॉर्मेंस भी रखा जाएगा. अच्छा जी. तो लोगों ने लुंगी की को पहन के बाहर आए. जब रैंप वॉक पे आए तब पता लगा कि पिन लगाना भूल गए. अच्छा जी. तो भाई बहुत अच्छा डांस हो रहा, आप समझ सकते हैं क्या हुआ है. तो लुंगी किसकी खुली? तीन जनरेशन में से किसकी खुली? मिडिल जनरेशन की. चलिए आपके हिस्से में सौभाग्य है, आपको बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया सर. धन्यवाद, धन्यवाद. आमिर के साथ हुआ था एक शो में. अच्छा, आमिर सर के साथ? तो मैं आई थिंक जुम्मा चुम्मा या ऐसे ही कोई शो था कि उनको तीन चेंजेस करने थे. तुम्हारा एक ही चेंज में चले जा भाई. इसने नहीं, थ्री चेंजेस. तो एक करके आए, फिर दूसरे में उनको कुछ पहनना था, पठानी पहनना था. वो आए और नाड़ा बांधना भूल गए. बीच स्टेज के ऊपर धाड़ करके नीचे, लंबा कुर्ता था उनका. हाँ, लेकिन वो फिर एक रितेश और तुषार के साथ एक हम शो कर रहे थे लंदन के अंदर. अच्छा जी. और उनका एक एक्ट था जो उनको पैंट उतारनी थी और उनके बॉक्सर्स हैं. तुषार थोड़े से ज्यादा एक्साइटेड हो गए, उन्होंने दोनों ही निकाल दी. मेरे दिमाग में तुषार घूम रहा है. मैं सोच रहा हूँ अगर जीतू जी सामने बैठे तो वो क्या कहते, तुषार ये क्या है.
अपने एक बार फिल्म की प्रमोशन के लिए कॉलेज है, वहाँ पे भी एक मॉडलिंग शो हो रहा था, कॉलेज की लड़कियाँ मैं जो मॉडलिंग शो नहीं करती, तो लड़की ने हील पहनी हुई थी, उसकी हील टूट गई, तो आई ऐसे वो पूरा करके और जाते हुए करती वो होता है कभी कभी, होता है होता है. ओके शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका. भाई कुछ फोटोग्राफ्स हैं सबकी, दिखाना चाहता हूँ, पूछना चाहते हैं कौन से मौके की हैं, प्लीज दिखाइए जरा. अरे बाप रे, ये मौका तो ये, भाई ये कहाँ की फोटो है, कब की? ये मौका है वारदात की है सर. मौका है वारदात. ये मैं संजू को अपना ब्रेसलेट दिखा रहा था, ये 10 के टाइम की है शायद. 10. ओके. या नेक्स्ट. ओ भाई आप सब पहचाने जा रहे हैं, अरबाज भाई पहचाने जा रहे हैं, सबसे लास्ट में शायद सोहेल भाई. सोहेल है इस तरफ. कौन है सेकंड लास्ट? बेबी अलवीरा. अलवीरा. ओके ओके. नेक्स्ट. ये फार्म पे हम लोग सब क्रिकेट खेल रहे थे. अच्छा, हमें लगा भाई आप सारी फिल्म में उतारते हैं, आपको वैसे ही अच्छा लगता है शर्ट उतार के. हां थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता हूं जी शर्ट के साथ. सलीम साहब देखो विकेट कीपर बने हुए पीछे जी, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे. हां इट्स बीन वेरी गुड क्रिकेट. नेक्स्ट. भाई ये कब की फोटो है? ये भाई ये बहुत पुरानी पिक्चर है. ये कौन है मेरे कंधे पे? ये अर्पिता है. अर्पिता है. और भी है हमारे पास, दिखाइए. सोनाक्षी आपको बचपन में फोन आ गया था कि दबंग में लॉन्च होने वाली है. ये सोनाक्षी कितनी क्यूट लग रही है बात. सोनाक्षी कितने साल की आप? 2 साल की? शायद 2 या 3. हाँ. और मेरा बर्थडे का फोटो है ये. याद है इनको? टेरेस पे हुआ करता था. नहीं, मुझे भी ये फोटो हाल ही में मिला था और मैंने पूछा ये कब का है, तो मम्मा ने बता दिए थे डिटेल्स. मेरे कोई बर्थडे का है और मैं किसी गॉड को फोन करके गिफ्ट मुझे क्या चाहिए वो मांग रही थी. अब वो क्या मांग रही हूँ वो नहीं पता, वो याद नहीं है. बच्चों को बड़ा शौक होता है ना. नेक्स्ट. करण जौहर साहब और शत्रु सर. ये पापा मुझे अवार्ड शो पे ले गए थे. मेरा पहला अवार्ड शो मैं अटेंड कर रही थी और मैंने पहला अवार्ड जो करण जौहर को मिला था डायरेक्शन के लिए, मैंने उन्हें दिया था अपने हाथों से. रियली? नेक्स्ट. योगा. ये कि शत्रु सर योगा करते तो आप गोद में बैठती थी. मैं सिखा रही हूँ. बहुत बहुत प्यारी पिक्चर है. ये अच्छा था. भाई आपको पता है अफवाहें बड़ी उड़ती हैं स्टार्स को लेके, तो कुछ अफवाहें हैं जो जनता में इस समय फैल रही हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो सही है कि नहीं. भाई एक अफवाह ये कि आपने इंडस्ट्री में इतने लोगों को ब्रेक दिया है कि सरकार ने आपको रोजगार योजना का एम्बेसडर बनाने का सोचा है. इज इट ट्रू? मिक्स रिएक्शन है. सोनाक्षी आपके बारे में एक अफवाह है कि यूपी के बलिया में आपका एक फैन क्लब है, वो आपका इतना तगड़ा फैन है कि उनको छींक भी आती है तो अच्छी नहीं सोनाक्षी करते हैं. इज इट ट्रू? इट्स ट्रू. ओके. भाई आपके बारे में अफवाह है कि आप हमेशा वजन घटाते बढ़ाते रहते हो, इसलिए आप इलास्टिक वाली पैंट पहनते हो ताकि वो हमेशा काम आ जाए. ट्रू. वेरी ट्रू. यस. तो ये अफवाह बिल्कुल सच है देवी और सजनों. ये आप अफवाह बता रहे हो कि आइडिया दे रहे हो? ये व्हाटएवर. सोनाक्षी एक अफवाह है कि जब आप ताश खेलती हैं तो 2 बादशाह के साथ अपने पापा की फोटो दिखा के बोलती है मेरे पास 3 बादशाह हैं, क्योंकि आपके पापा ने कहा तीसरे बादशाह हम हैं. करेक्ट. बिल्कुल सही अफवाह निकली है ये. सही. आपकी भी एक अफवाह है. देखो अफवाह बनाने वाले कितने तेज हैं. अभी आपकी फिल्म रिलीज होनी है, आपकी अफवाहें पहली आ गई. मैं नहीं फैली अफवाह पहले. तो अफवाह ये है कि आप असल में फैन जो है वरुण धवन की हैं, लेकिन फिल्म में ब्रेक लेने के लिए आप सलमान खान की फैन बन गई. नहीं बे, ये बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत है. हाँ नहीं, ये वरुण धवन की भी फैन हूँ. अच्छा. हाँ देखा, अफवाह मिक्स है थोड़ी. सोनाक्षी आपके बारे में अफवाह है कि आपको जब कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती तो सुनते सुनते आप सो जाती हैं और बाद में उठ के सामने वाले को बोलती हैं कि मैं करेक्टर के बारे में डीप थिंकिंग कर रही थी. ये मेरे साथ होता
एक्चुअली नरेशन के वक्त होता है, अरे बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, दो घंटे के लिए लोग नरेट करते जाते करते जाते। अच्छा उनको दिखता भी है कि ये गया गया ये गया ये, अच्छा रुकते भी नहीं। सॉरी मैं सो नहीं जाती हूँ, बट मैं जो करती हूँ वो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि फिर मैं उसे यूज नहीं कर पाऊंगी वापस से, लोगों को पता चल जाएगा, सडनली सिर दर्द होने लगता। अच्छा पेट दर्द। सही, आपके बारे में ये अफवाह कि आप अंबानी स्कूल में इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको पता है वहाँ पढ़ने वाले 12th करने से पहले फिल्म स्टार बन जाते हैं। पर मैं अंबानी स्कूल में पढ़ी ही नहीं। वही तो अफवाह है, ये ही भी तो अफवाह है। सर मायलो पहुंची सर, ये हमारे बस का बात नहीं है, ये आप ही कर सकते हैं सर। हाउ आर यू सर? सो गुड टू सी यू। ये नमस्ते, कैसी हैं आप? ओहो सर, आपको देख के इतना अच्छा लग रहा है सर। सर वेरी गुड, आप आ गए हैं सर। इस प्रोड्यूसर साहब कपूर शर्मा गए आज, आप आज तो आप गए सर। हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे नहीं होते ना, सिर्फ हंसी मजाक करता है आदमी पूरा दिन, हंसी ठिठोली, नो सीरियस, नॉट एट ऑल अबाउट हिज वर्क। एक एक करके पोल खोलेंगे आपकी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही हो। वाह यार, सोनाक्षी जी, साई जी, कितनी प्यारी लग रही हैं आप दोनों। बच्चा तेरी हिम्मत कैसे हो रही है आते ही फ्लर्ट करने की? तू तो क्या हुआ यार, एक जवान लड़का और दो जवान लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते क्या? ऐसा प्लान तो नहीं था हमारा कहने का, लेकिन ये कुछ चला दिया। वैसे सर आपके तो हम इतने बड़े फैन रहे ना, व्हाट टू टेल यू सर। सर आपका वो जो तेरे नाम फिल्म आया था सर, ओ फर्स्ट डे फर्स्ट शो अर्चना जी जाके देखा था हमने, और तुरंत वहां से निकले और वो हेयर स्टाइल बनाया हमने ऐसा वाला, ये मांग वाला, बीच की मांग। हटा क्यों दिया फिर? लेने पर हटाना पड़ गया यार, बहुत सारे रिश्ते आने लग गए और वो भी लड़कों के, ये मांग हम ही भरेंगे। Not kidding, sir. Sir, होड़ मच गई थी सर एकदम, हम सच बता रहे हैं, हमारे घर के बाहर तो इतनी होड़ मच गई कि होड़ होड़ दबंग 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 होड़ होड़ दबंग 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 हो गया। बेटा तेरी शर्ट क्यों खुली हुई, पहले तो इसको बंद कर। किसी के बाप में दम नहीं है जो इसको बंद कर ले। इसीलिए कहता हूँ कम खाया कर तू, क्यों फट जाएगा किस दिन तेरा पेट? क्यों फट जाएंगे यार, जबरदस्ती यार क्यों फट जाएंगे हमें बताइए, क्या खाना और इंसान दोस्त नहीं हो सकते? हाँ क्या हमारा दोस्त चलता रहता है सर, लेकिन आपकी फिल्में हमने सारी की सारी देखी हैं सर, ओहो एक के बाद एक सुपर हिट पर सुपर हिट फिल्में सर, आई रियली लव इट सर। सर आपकी फिल्में इतनी कमाती है, यहाँ पे आप शो के प्रोड्यूसर हैं, शो इतना कमा रहा है, जस्ट टेल मी आप साइकिल पे क्यों चलते हैं फिर सर? अरे फिटनेस के लिए चलते हैं। नहीं तो साइकिल तो अच्छी खासी फिट है, इतनी पतली सी तो है, क्या फिट करना है उसको? अबे अपनी फिटनेस के लिए साइकिल चलाते हैं। अरे तो सर भी तो फिट है यार, उनको क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, साइकिल चलाना पड़ता है क्योंकि अगर ये वापस ही चले गए अपने ओ तो साइकिल चला रहे हैं इसलिए फिट है, तो उनकी फिटनेस छोड़, तो अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया कर पहले, कसरत किया कर। हमारा तो थोड़ा जीवन में कसम कस है सर। क्या हुआ सर, क्या हो रहा है ना जीवन में कि शरीर जो है कहता है कि कसरत करो, जरा उबला हुआ खाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा कह रही है कि मजा करो, सो आराम करो, समोसा खाओ, कचोरी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ। अब सर शरीर का क्या है, देखिए शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, कल नहीं। आत्मा जो है वो अमर है, तो किसका सुनना किसका चाहिए सुना? I go with आत्मा। तो ये भैंस क्यों इतने सजा के लाया तू आज? अरे क्योंकि इस बेबी को भैंस पसंद है। नहीं सर खाली मजाक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सर हमारी भैंसिया हमें कोने में ले जाकर हमसे कहती है
I will translate. Sir, वो हमसे कह रही थी कि सलमान जी से कहिएगा कि मैंने प्यार किया में उन्होंने कबूतर को मौका दिया था फिल्म में. फिर हम आपके कौन में डॉगी को मौका दिया था फिल्म में. कह रही है कि एक बार भैंसिया को मौका दीजिए ना. जब भैंसिया अपने समाज में पॉपुलर हो जाएगी. She wants to be the best. ऐसा देखो बिचारी अभी भी बोल रही है. बड़ी चिंता है तुझे भैंसों की. हाँ तो होगी ना यार. क्यों एक भैंस और उसका मालिक का कभी दोस्त नहीं हो सकते. वैसे कप्पू शर्मा हम सलमान सर के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं. आप क्यों जूहू में बोल रहे हैं. जूहू में नहीं बीच में बोलते ये होता है. हाँ तो जूहू में बीच ही है यार. वहां कौन से पहाड़ है. वैसे सोनाक्षी जी आज यहाँ पर आई हैं. कपूर शर्मा आई विल गिव यू वन ऑर्डर. सोनाक्षी जी से आप चार सवाल पूछेंगे ना. हाँ. उसके साथ एक सवाल फ्री में पूछिए. 4-1 फ्री फ्री फ्री. क्यों रेगुलर कस्टमर है यार अपनी. साल में 3-4 बार तो आ जाती है कि नहीं. तो यार इतना तो बनता है इनके लिए. लेकिन सोनाक्षी जी यार अब ब्यूटी यार. बच्चा शर्म नहीं आती. तू शादीशुदा है तू. तो क्या हुआ एक शादीशुदा आदमी और एक कुंवारी लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. वैसे मैं भी शादीशुदा हूँ. हाय. When that happened? In part one, Mr. Chulbul Pandey is my husband. Ah, लेकिन हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं. उसको नाम मत कहिएगा. अच्छा. फ्रेंड ये याद है सर आपको. बहुत अच्छी तरह से. फ्रेंडशिप तक ठीक है. यहाँ पे गर्ल वर्ल तो नहीं लिखा ना कहीं. और देखिए आप सोनाक्षी जी थैंक यू भी मत बोलिएगा क्योंकि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी. लव यू के आगे एक ब्रो जुड़ा हुआ है. अच्छा ब्रो. ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन साई जी आप भी बहुत क्यूट है. आपको बताएं हमारा जो बच्चा है ना छोटा सा बच्चा है हमारा दिन भर आपका ही गाना गुनगुनाता रहता है. कौन सा. सही कह रहा है दीवाना. झूठा नहीं का. जो सच कह रहा है दीवाना. ये है लिरिक्स उसके. सच कह रहा है दीवाना. हाँ. तो कह रहा होगा सच दीवाना. हमें क्या लेना देना है यार. हमने कब का झूठ कह रहा है दीवाना. तुम ओके यार बिग डील. वैसे लेकिन सर आपका ट्रेलर जो देखे हम पे ओ भौकाल मचा दिया है सर. ट्रेलर ने कमाल का ट्रेलर है सर. हम आपको बता रहे हैं आपके फिल्म के इंटरवल में ना प्रसाद बटेगा. क्यों. क्योंकि खुद प्रभु ने डायरेक्ट किया है यार फिल्म को. प्रभु देवा जी. प्रभु देवा. और सर एक और बात जानना चाह रहे थे. ये फिल्म में आपके फ्रेंड है मोनिश जी वो ये फिल्म में नहीं है. नहीं मतलब नॉर्मली आपके फिल्म में जब वो रहते हैं तो ऐसा मन बहल जाता है बिकॉज ही इज मोनिश बहल. पिताजी स्वागत नहीं करेंगे हमारा. क्यों करेंगे तुम्हारा स्वागत. ऐसा क्या है तुम में. पिताजी क्या है ना ऐसे धोती में भारी भरकम सब ना इस्तेमाल करें तो अच्छा है क्योंकि धोती खुल गई तो पिक्चर रिलीज हो जाएगी. ओए कच्चा ऐसे बोलते अपने पिताजी को. एक मिनट एक मिनट. आप तो हमारे बेटे को डांटिए मत बिकॉज माय बेटा इज माय बेटा नन ऑफ योर बेटा. अरे बात बताओ बेटा ये खुला हुआ शर्ट पहन के क्यों आए हो तुम. अरे वो तो हम सलमान सर के फैन है ना इसलिए. शर्ट के बटन तो आपके भी खुले ही हैं. ओह हमसे बराबरी करोगे. अब थप्पड़ दें क्या तुमको. थप्पड़ से डर नहीं लगता पिताजी. क्यों नहीं लगता बेटा जी. अरे वो तो सोनाक्षी जी के फैन है ना इसलिए. अच्छा. और साथ में ये मांजा क्यों लेकर आए हो. अरे वो तो मांजरेकर जी के फैन है इसलिए. खामोश. ये हम शत्रु जी के फैन है ना इसलिए. बस आए क्यों हो. चार ऑप्शन तो दीजिए. हम बच्चन साहब के फैन है इसलिए. वाह दफा जा दोनों बापिटा. क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में. हमारे बीच में मजाक चल रहा है यार.
क्योंकि ऑडियंस को मजाक पसंद है इसलिए। चलो मजाक अपनी जगह ठीक है बेटा, जरा साफ साफ बताओ आओ क्यों हो तुम यहाँ पर? अरे पिताजी हम ना हीरो बन रहे हैं। सलमान सर, सलमान सर एक बात बताइए, आप हमें लॉन्च कर देंगे क्या? हाँ करेंगे ना, कर देंगे। अरे तुम ना स्कूल जाओ, जरा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। स्कूल तो हम जाते ही हैं, लेकिन जिस स्कूल आप हमें भेजते हैं ना, वहाँ की टीचर हमें मुर्गा बना देती है बाबू मोशाय। तो बेकार का बात मत करो, खामोश हो जाओ, समझे ना? अरे खामोश ऐसा नहीं, खामोश ऐसे होता है, समझे? अरे देखिए कितना खुश हो रहे हैं सब लोग। कच्चा इधर आ, मेरी बात सुन। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात तो हम सुनने ही नहीं वाले। क्यों? जिन जिन ने सुनी मर्द से औरत बन गए। ये तो तुमने ताना मारा है ना कप्पू शर्मा पे, वाह 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 वाह, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा लें। लेकिन वो तो आपके पास है ही नहीं। तुमने वैसे हमारा बेइज्जती किया है, पर तुम्हारा टाइमिंग अच्छा था, हमें अच्छा लगा। अरे पिताजी खून तो आखिर आप ही का है, जॉक्स तो निकल ही जाते हैं। जॉक तो ठीक है यार, हमारा जूता निकल जाएगा ना तकलीफ होगा तुम्हारे लिए, समझ गए? यहाँ से निकल लो आप, चलो। अरे ऐसे कैसे निकल ले पिताजी? सलमान सर हमारा क्या है, हमारे पास एक छोटा सा जॉक्स का पिटारा रहता है। अच्छा। तो एक जॉक का पिटारा तो हमारे पास रहता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? चोरी किया तुमने हमारा पिटारा? आपके पास होता है? हाँ। तो सुनाइए ना, खड़े काहे हुए हैं? अरे मजाक कर रहे थे, सुनाइए सुनाइए। तो ठीक है हम जरा सुना देते हैं जॉक। हमें बताइए कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी मदद से हम दीवार के आर पार देख सकते हैं? इट इज ए खिड़की यार, खिड़की दरवाजा, आर पार देख लो। एक और एक और एक और, ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी स्पेलिंग डिक्शनरी में भी इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। गुड वन, गुड वन। अच्छा ऐसी कौन सी की है जिससे कोई दरवाजा कोई ताला नहीं खुलता? कौन सी की? इट्स ए लॉक की। चलिए सर हमें बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, प्लेजर, नमस्कार, यो ब्रो, यो ब्रो, चलिए आई सी यू। तो एक बार सलमान भाई, सोनाक्षी और सई के लिए जोरदार तालियां। तो ये तीनों तो हमारे साथ बने ही रहेंगे, सो कल हम इनवाइट करेंगे दबंग 3 से और भी बहुत सारे स्टार्स को, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सो तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।